नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह। शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। विजयदशमी के बाद ही महानगर के विभिन्न घाटों पर फिर आना मां के गगनभेदी नारों के साथ प्रतिमा विसर्जन शुरू हो गया। कोलकाता नगर निगम के साथ ही कोलकाता पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखी। आइए देखते हैं वरिष्ठ संवाददाता मधु सिंह की खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबू घाट में, जहां दुर्गा माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन चल रहा है। गत शुक्रवार को दशमी के दिन से ही प्रतिमाओं का विसर्जन चालू हो गया है और कोरोना के नियमों का ध्यान रखते हुए घाटों पर कम संख्या में लोगों के आने की अनुमति दी जा रही है। केएमसी की ओर से कर्मी भी तैनात हैं, क्रेन रखे गए हैं ताकि प्रतिमा के अवशेषों को तुरंत हटाया जा सके। हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से पुलिस की संख्या भी यहाँ काफ़ी अधिक संख्या में है, जो सभी तरह की व्यवस्था पर नजर रख रही है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। मांग पर अड़े मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के छात्र, आजकर मेडिकल के प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग पर अड़े मेडिकल स्टूडेंट्स निकाली रैली। स्वास्थ्य भवन के अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर की बैठक। मेडिकल कॉलेज के छात्रों की क्या मांग है, आइए जानते हैं वरिष्ठ संवाददाता संदीप त्रिपाठी से। आज ही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मेडिकल विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन अभी जारी है। लगातार 14 दिन जो है उनका आंदोलन चल रहा है और प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग पर जो विद्यार्थी अड़े हुए हैं, उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर जो है छोटी सुनवाई का विभाग की ओर से होगी और जल्द ही ऐसा समाप्त हो सकेगा। नुसरत जहां अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी समय से सुर्खियों में बनी हुई है, कुछ समय पहले ही नुसरत ने अपने पहले बच्चे ईशान को जन्म दिया। इसके बाद से एक्टर यश दास गुप्ता संग उनकी शादी की अफवाहें सामने आने लगी। अब माना जा रहा है कि नुसरत जहां ने अपनी नई तस्वीर से इन अफवाहों की पुष्टि कर दी है। दशहरे के शुभ अवसर पर नुसरत ने अपनी एक लाल और सफेद साड़ी में तस्वीर शेयर की थी। इस साड़ी के साथ उन्होंने शाखा पोला को पहना हुआ था, जिसे विवाहित महिलाएं ही पहनती हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नुसरत ने क्या दोबारा शादी कर ली है। पूजा समाप्त होते ही फिर मौसम का मिजाज बदलता दिख रहा है। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के 7 जिलों में रविवार, सोमवार और मंगलवार को भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। हावड़ा, हुगली, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में भी भारी बारिश की संभावना है। अब रुक करते हैं जिलों की खबरों की ओर। नागरकाटा टाटा सुमो से धक्का लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का नाम अकबर हुसैन है, वह नागरकाटा मछुआपट्टी का रहने वाला है। युवक को धारदार हथियार से मारने की कोशिश को लेकर रणक्षेत्र बना अलीपुर द्वार का डिमडिमा चाय बगान। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी के घर को किया आग के हवाले। धूपगुड़ी ब्लॉक के बैगन के खेत में हाथी की अस्वाभाविक मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। देर रात भोजन की तलाश में हाथियों का एक दल इस इलाके से होकर गुजरा था। शनिवार को स्थानीय लोगों ने एक हाथी को मृत अवस्था में बैगन के खेत में देखा। बैंडल ग्रीन पार्क इलाके के एक फ्लैट से चंदनगर पुलिस कमिश्नरेट के चूचरा थाने की पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। देश दुनिया से जुड़ी खबरें। राहुल फिर बन सकते हैं कांग्रेस चीफ। अगले साल अगस्त या सितंबर में होगा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। राहुल बोले, पद संभालने पर विचार करूंगा। उर्वशी रोतेला हुई आउच मूवमेंट का शिकार। सड़क पर पोज देते वक्त कैमरे में हुई ऐसी चीज देखकर आप भी होंगे हैरान। कल का मौसम।
महानगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आंधी तूफान के साथ ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे खबर एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।